नमस्कार, मैं रामवानी प्रोमिला आपसे आज अपनी बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेसन की बर्फ़ी बनाने में बहुत ही आसान है और कोई इतनी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो मैं आपके साथ अपनी तरह की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक बाउल ये बेसन का लिया है। ये कई बार बेसन मोटा होता है, कई बार बारीक होता है, तो आप जो भी घर में हैं उसी बेसन से आप बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। इसके बीच में डालने के लिए मैंने ये 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी के लिए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और बाद में डाल देंगे। तो इसमें डालने के लिए ये मैंने अपने हिसाब से, जितना आपको मीठा पसंद है उसी हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं। मैंने 3/4 ये बाउल चीनी का लिया है, और इससे थोड़ा सा कम पानी डाल के हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और इसमें डालने के लिए मैंने ये 4 मगज और ये 4 इलायची का पाउडर मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा पिस्ता है, थोड़े से आलमंड्स है। तो ये ज़रूरी नहीं यही सब ड्राई फ्रूट्स आपने डालने हैं, आपको जो अपनी इच्छा के मुताबिक ठीक लगे आप वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पानी लिया है, पानी ये चीनी से कम है, तो ये चीनी इसमें डाल के हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। और चाशनी हमने बनानी है 2 तार की। इसको मैं इधर, इसको मैंने गैस पे रखा है उबलने के लिए, और धीमी आंच से ये हम 2 तार की चाशनी बना के बंद कर देंगे। और इधर मैंने ये जो घी है 3 टेबलस्पून वो डाल के गरम रखा है, और इसमें हम बेसन को भूनेंगे, और बहुत धीमी आंच पे भूनना है। 15-20 मिनट तक भूनना है हमने, और जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे बेसन की, कि तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बेसन भून गया है और ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। और अगर हमें लगेगा कि घी कम है तो हम बाद में और भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ी में ना तो घी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। हम जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें चाशनी नहीं बनानी पड़ती, उसमें हमें सिर्फ बेसन में भून के चीनी डाल के तो अपना प्रोसीजर करते हैं। बाकी इसमें बहुत ध्यान से धीमी आंच पे हमने बेसन को बड़े प्यार से भूनना है। तो जब ये अच्छी खुशबू आने लगेगी इसकी, और घी बेसन से अलग होना शुरू हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि हमारा ये बेसन भून गया है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ बेसन भूनने के बाद। ये हम जिसमें बेसन की बर्फ़ी हमने जमानी है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के हम पहले से तैयार कर लेंगे, ताकि जब बने तो हम इसमें, और बेसन की बर्फ़ी को जमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसको जमाने के लिए बाहर रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में जम जाती है, और आपको अगर और जल्दी जमानी है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। इधर हमारी चाशनी भी पक रही है, तो चाशनी हमने 1 तार से ज़्यादा की बनानी है। अभी कसर है। ये कैसे जाग बन रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो घी है वो सफिशिएंट पूरा है, अब हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसन की बर्फ़ी में लोग कलर डालते हैं, पर हम इसमें कलर नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, जो कि टेस्ट में कुछ भी उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ज़रा सी हल्दी हमने डाली है, थोड़ा सा इससे कलर और भी अच्छा हो जाएगा। हमने रंग नहीं डाला, हलवाई लोग तो रंग डाल देते हैं,
तो कम से कम ये सेहत के लिए खराबी नहीं होती। इसको अभी धीमी धीमी इधर देखते हैं, हमारी चाशनी भी बस हो चली है। इसको उंगली पे ऐसे करके अभी थोड़ी सी कसर है, बस इसको बंद कर देते हैं चाशनी को। चाशनी में हम इलायची और चारों मगज डाल रहे हैं। इसमें चाशनी डाल रहे हैं, हमने गैस को बंद किया हुआ है, तो अभी इसको मिलाते जाएंगे। अब जो हमारी ट्रे हमने घी लगा के तैयार की थी, अब उसमें हम इस अपने बर्फी को पलट देंगे। अगर हमने ज़्यादा देर इसी में रहने दिया तो इसी में जमनी शुरू हो जाएगी, तो मैं उसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। हमने इसमें बेसन की बर्फी जो बनाई है वो डाल दी है। अब इस पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये पहले हम गिरियाँ डालेंगे, आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो और जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। इसके लिए कोई भी वो नहीं है कि यही डालना है ज़रूरी, तो आप बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हो। तो अब हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो 15 मिनट बाद इसकी टुकड़ी काट के आपको दिखाएंगे कि बर्फ़ी ये कैसी बनी है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसके ऊपर चाहें तो वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद इसको कटिंग करके तो फिर भी आपको दिखाऊंगी दोबारा कि ये कैसी बनी है। हमने निशान लगा लिए हैं, तो अब जब भी हम खाना चाहेंगे या निकाल के जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं।